अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज लॉर्ड्स एंड स्पाइन। लॉर्ड्स एंड स्पाइन बेसिकली इसको बहुत मुश्किल टॉपिक समझा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा है। हम छोटी छोटी हेडिंग्स बना के जो है उस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले आता है लॉर्ड्स एंड स्पाइन क्या होते हैं। बेसिकली पहले जब ये स्टार्ट होता है तो इसमें उसने आपको जो है वो पाँच फोर्सेज बता दी है जो कि आपके स्पाइन पर लगती हैं। आपने हेडिंग बनानी है फोर्सेज एक्टिंग ऑन द स्पाइन, आपने बताना है बॉडी वेट है, टेंशन इन स्पाइनल लिगामेंट है, टेंशन इन सराउंडिंग मसल है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, एक्सटर्नल लोड है। ठीक है, ये पाँच फोर्सेज आपने बता दी। आफ्टर आपने पांच फोर्सेस बता दी फिर आपने बताना है लोडिंग ऑन स्पाइन ऑन अपराइट पोजीशन। अपराइट पोजीशन में बेसिकली क्या होता है, सीधी खड़ी पोजीशन होती है जिसमें आप सीधे खड़े होते हैं। इसमें ना स्पाइन के ऊपर जिस टाइप की लोडिंग हो रही होती है ना उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज द एक्सियल टाइप ऑफ लोडिंग। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सियल लोडिंग। एक्सियल लोडिंग अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द बॉडी होती है और अलॉन्ग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी होती है, यानी सर्वाइकल से थ्रेसिक, थ्रेसिक से लंबर और फिर जो है वो L5S1 पे जाकर जो है वो लोडिंग जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि L5S1 इज द लास्ट जॉइंट। ठीक है, तो ये एक्सियल टाइप ऑफ लोडिंग आपके स्पाइन के ऊपर हो रही होती है व्हेन यू आर इन अपराइट पोजीशन। तो आपने क्लियरली जो है वो उसको ऐसे ही लिख देना। ठीक है, इसके अलावा आप कौन कौन सी फोर्सेज इस दौरान लग रही होती है, फोर्सेज कौन सी लग रही होती है। नंबर वन इज द बॉडी वेट, नंबर टू इज द वेट ऑफ एनी लोड जो आपने अपने हैंड में पकड़ा होगा, इसके अलावा टेंशन इन द सराउंडिंग लिगामेंट और ऑल द मसल कंट्रीब्यूट जो है वो इसको करते हैं। ठीक है, तमाम मसल्स जो भी आपने अपने हाथ में वेट उठाया होगा, सराउंडिंग लिगामेंट्स और इसके अलावा बॉडी वेट, यानी वो तमाम फोर्सेज जो कि यहाँ पर लग रही थी वो इस वक्त जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही थी एक्सेप्ट फॉर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। दूसरी हेडिंग आपकी क्या होगी, अपराइट पोजिशन। आफ्टर दैट आपने बताना है ड्यूरिंग इरेक्ट स्टैंडिंग आपके स्पाइन के ऊपर किस तरह की जो लोडिंग है हो रही होगी। जब आप इरेक्ट स्टैंडिंग में होते हैं ना, इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होता है, आप जो है वो फुल अकर कर एक हिसाब के खड़े हैं, तो इस दौरान क्या होता है आपके जो आते हैं ना आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, चूंकि वो इंटीरियरली होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब इंटीरियरली होता है ना, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा वेट जो है वो आगे की तरफ ड्रॉप करता है और आप नीचे गिर सकते हैं। उस चीज़ को काउंटरैक्ट करने के लिए आपके पोस्टीरियर एक्सटेंसर मसल, जो आपके पोस्टीरियर साइड के मसल होते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोस्टीरियर एक्सटेंसर मसल्स पोस्टीरियर मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन। ठीक है, तो पोस्टीरियर एक्सटेंसर मसल उनकी टोन इंक्रीज हो जाती है, तो जो आपका इंटीरियर शेयर क्रिएट हो रहा था, जो आप आगे की तरफ गिरने वाले थे, इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, उसको जो है वो बैलेंस आउट कर लेते हैं और आप एक इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन को मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो मेंशन कर देनी है। आफ्टर दैट आपने यहाँ पर एक और बात याद रखनी है, इस तरह जो भी फोर्सेज लग रही होती हैं वो जो है वो मसल एक्टिविटी की तरह से लग रही होती है। तो आपकी तीसरी हेडिंग क्या बन गई, लोडिंग ऑन स्पाइन ड्यूरिंग इरेक्ट पोजीशन। आफ्टर दैट आपने बता दिया अपराइट स्टैंडिंग में और ये सब चीज़ों में। यहाँ पर अब हम आते हैं सिटिंग पोजीशन। नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में आपका जो नंबर लॉर्डोसिस कर्व था वो क्या हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। एज अ रिजल्ट इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे इंक्रीज लोडिंग हो जाती है। जब जाहिर आपका कर्व फ्लैटन हो जाएगा तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऊपर लोडिंग इंक्रीज ही होगी। ठीक है, ये हम लोगों ने वहाँ पर अपने लॉर्डोसिस वाले टॉपिक में भी पढ़ा। आपने फिर बताना है लोडिंग ऑन स्पाइन ड्यूरिंग सिटिंग पोजीशन। आफ्टर दैट आपने बता देना है लोडिंग ऑन स्पाइन ड्यूरिंग स्लम्प सिटिंग पोजीशन। ये आपकी फोर्थ हेडिंग होगी और ये फिफ्थ हेडिंग होगी कि स्लम सिटिंग पोजीशन में आपकी जो डिस्क है उसके ऊपर लोडिंग और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और इस चीज़ को काउंटरैक्ट करने के लिए आप अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन चेयर यूज़ करते हैं जो कि आपको लंबर सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जो कि स्लाइटली क्या करती हैं, फॉरवर्ड टिल्ट होती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद की। यहाँ तक आपने डिफरेंट पोजीशंस में बता दिया। उसके बाद आपने शुरू करना है लोड प्रेशर्स ऑन द स्पाइन। ठीक है, डिफरेंट प्रेशर जो स्पाइन के ऊपर लग रहे होते हैं। नंबर वन क्या है, प्रेशर ऑन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब इसके अंदर दो तरह के प्रेशर होते हैं, दो तरह की लोडिंग होती है। आपने मेरा अगर पहले वाला लेक्चर सुना हो चैप्टर नंबर 3 में, तो हमने स्टैटिक और डायनामिक लोडिंग के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। स्टैटिक क्या है, यानी आप साकिंग करें, अपने हाथ के अंदर कोई आपने जो हैवी ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपके फेस से जॉइंट के ऊपर जो है वो लोडिंग हो रही है। नंबर टू डायनेमिक कंडीशन में बार बार ज़मीन से आप उठाकर कुछ उठा ज़मीन से बार बार पकड़ के कुछ उठा रहे हैं, उस दौरान जो लोडिंग हो रही है। ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएगी डायनेमिक में। दोनों किस्म की लोडिंग के ऊपर आपका जो वेट है वो कहाँ आ रहा है, आपके फेसेट जॉइंट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ याद रखी है। और अगर आप रिपीटेटिव लोडिंग करते हैं तो स्पाइन की जो है वो स्टिफनेस डिक्रीज हो जाती है, डिस्क में डिफॉर्मेशन हो जाती है, स्पाइनल लिगामेंट जो है वो इलोंगेट हो जाते हैं। ये कुछ चेंजेस है जो होते हैं, स्टिफनेस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, डिफॉर्मेशन हो जाती है और इलोंगेशन हो जाती है किसकी, आपके स्पाइनल लिगामेंट की। और एज अ रिजल्ट जो है वो क्या हो जाता है, लो बैक पेन हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, आप सिंपली प्रेशर्स ना भी दें, आप यहाँ पर सिंपली कर दें लोडिंग ऑन स्पाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग ऑन स्पाइन। तो आप एक्यूट लोडिंग लिख सकते हैं और डायनेमिक लोडिंग की आप हेडिंग जो है वो क्लियरली यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं लंबर कर्व
या लोडिंग और लंबर स्पाइन, पर्टिकुलरली आगे आप यहाँ तक जितनी भी बात करने वाले हैं वो आप लंबर स्पाइन की करने वाले हैं। वो कहते हैं कि आमतौर पर इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन जब आपकी होती है तो आपकी लंबर स्पाइन के ऊपर लोडिंग हो रही होती है, आपका एक इंटीरियर शेयर जनरेट होता है, एग्जैक्टली वही पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ बताए, उसको काउंटरेक्ट करने के लिए आपके जो पोस्टीरियर एक्सटेंसर मसल्स होते हैं वो जो है वो क्या करना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर लोडिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है, उनके अंदर टेंशन इंक्रीज हो जाती है, एज अ रिजल्ट आपका कंप्रेशन आता है फेसिव जॉइंट के ऊपर, और वो कंप्रेशन पर्टिकुलरली आपकी लंबर रीजन के ऊपर जो है वो आ रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर बता दी। उसके अलावा नेक्स्ट आता है स्पाइनल फ्लेक्शन के दौरान, जब जब स्पाइनल फ्लेक्शन की कंडीशन होती है, जब आपके ट्रंक के एक्सटेंशन में मजीद लोडिंग जो है वो और हो जाती है, और यहाँ पर आपकी जो हेडिंग बनेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज फ्लेक्शन रिलैक्सेशन फिनोमिनन। फ्लेक्शन रिलैक्सेशन फिनोमिनन में आप जो है वो बताएंगे कि जब आपकी स्पाइन फुल फ्लेक्शन में होती है, तो पहले शुरू शुरू में आपकी स्पाइन ऐसे थी, ठीक है, ऐसे पोजीशन थी स्पाइन की, फुल फ्लेक्शन में निकली, फिर जब आपकी स्पाइन फुल फ्लेक्शन में चली जाए तब क्या होता है, जब स्पाइन आपकी ऐसी वाली पोजीशन में थी ना, इस वक्त जो आपके मसल्स थे ना वो ये सारा काम कर रहे थे, वो इंटीरियर शेयर को बैलेंस कर रहे थे, वो ये सारा काम कर रहे थे, लेकिन जब आप फुल फ्लेक्शन में चले गए ना, इस टाइम आपके मसल्स जो है वो क्या हो गए, रिलैक्स हो गए, ठीक है, मसल की रिलैक्सेशन होगी, और आपका सारा का सारा जो बॉडी वेट है वो किसने सपोर्ट किया हुआ है, इस वक्त स्पाइनल लिगामेंट ने सपोर्ट किया हुआ है, तो उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज बेसिकली द फ्लेक्शन रिलैक्सेशन फिनोमेनन। ठीक है, तो आपने हेडिंग यहाँ पर दे देनी। उसके बाद आपने, और इसके अलावा आप यहाँ पर एक और हेडिंग भी दे सकते हैं, शेयर ऑन स्पाइन। इसके अलावा आप यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं स्पाइनल फ्लेक्शन, ठीक है, उसमें किस तरह की लोडिंग हुई है, स्पाइनल लेटरल फ्लेक्शन और एक्सियल ट्विस्टिंग में किस तरह की लोडिंग हुई, आप याद दे सकते हैं, यूजुअली न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो आपने इस तरह से याद करना है। उसके अलावा वो एसिमेट्रिकल फ्रंटल प्लेन लोडिंग, जब कहते हैं कि आप इस तरह से मूवमेंट कर रहे होते हैं तो इस दौरान आपकी स्पाइन के ऊपर कंप्रेशन और शीयर लोड जो है वो मजीद इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो आपने इसके अंदर याद करना है। उसके बाद आपने याद करनी है कुछ फैक्टर्स जो कि स्पाइनल लोडिंग को मजीद इंक्रीज़ करते हैं। उसके अंदर नंबर वन क्या है, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है मूवमेंट की, उस दौरान आपकी स्पाइन के ऊपर ज़्यादा लोडिंग हो सकती है। नंबर टू, आप जो है वो एक यहाँ पर जो है वो स्पाइन की, अगर मूवमेंट की स्पीड बहुत ज़्यादा होना तो स्पाइन शॉक में भी चली जाती है। देखिए, आप कोई भी हैवी वेट उठा रहे हैं, पेशेंट को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करा रहे हैं, कोई भी पेशेंट आपके पास आया जिसको आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करा रहे हैं, उसके लिए यही सजेस्ट किया जाता है कि आप बहुत मिनिमाइज करके, बहुत स्लो करके, लेस स्पीड के ऊपर उसका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराएं, ताकि जो आपका पेशेंट है वो जो है वो बच सके, उसको जो है वो इंजरी ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद करी है। आफ्टर दैट लोड लिफ्ट विद लेग्स। वो कहते हैं कि इसके अलावा एक टेक्निक ये है कि आप लेग से लिफ्ट कर सकें। देखें, लिफ्टिंग विद लेग समझ तो में बात तो नहीं ना आती कि आप अपने पाँव से या अपनी टांग से कोई चीज़ उठा रहे हैं, ये ना ही ये हमारे टांग इसलिए बनी है, और टांग की चॉइस से क्या होता है, लेग्स की जो है वो फिजियोलॉजिकल कॉस्ट जो है ना वो इस केस में मजीद इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लेग जो है वो इस चीज़ के लिए बनी नहीं है। लेग का काम आपकी बॉडी वेट को सपोर्ट करना नहीं है, जबकि स्पाइन का काम आपकी वेट को सपोर्ट करना है। नीचे से कोई वेट उठाना है तो वो काम किसका, आपके स्पाइन का है, ठीक है, लेकिन अगर आप वो काम लेग से करेंगे तो ऑब्वियसली जो चीज़ उसके लिए बनी नहीं है तो उसकी फिजियोलॉजिकल कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाएगी, और ये भी जो है वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं। आफ्टर दैट यहाँ पर लंबर लॉर्डोसिस आया है। लंबर स्पाइन के ऊपर लोडिंग की जो पैटर्न है वो यहाँ नहीं था, वो यहाँ था। लंबर स्पाइन के ऊपर लोडिंग की जो पैटर्न है, आपकी नेक्स्ट हेडिंग ये बनेगी। पैटर्न क्या है कि आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप स्पाइनल फ्लेक्शन या कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, ना तो आपका लंबर कर्व एग्जैजरेट हो, बिल्कुल फ्लैटन हो, और ना ही आपका लंबर कर्व जो है उसके अंदर इंक्रीज फ्लेक्शन हो। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है, ना लंबर लॉर्डोसिस हो और ना ही लंबर जो है वो फ्लैटन हो। इसके साथ साथ वही बातें इंटीरियर शेयर और सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। आफ्टर दैट इफेक्ट ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर आपका लोडिंग के ऊपर क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें भी एग्जाम में आया था, आपने इस बात को बिल्कुल याद रखना है। बेसिकली क्या होता है, आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ना सेंटर में एक बैलून के तौर पर एक्ट करता है। जब आपका ये पीछे वाला एरिया था आपकी स्पाइन के पोस्टीरियर मसल्स से और ये इंटीरियर शेयर था, ठीक है, इस दौरान आपके इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ना वो क्या करता है, एज अ बैलून काम करता है और आपकी स्पाइन को जो है वो डिफॉर्म होने नहीं देता। आप सोचिए, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ना होगा तो आपकी स्पाइन तो आगे को आ जाएगी ना, तो उस चीज़ को काउंटरेक्ट करने के लिए जो आपके इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर आते हैं। लेकिन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का एक नुकसान ये है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो क्या करता है, आपका कंप्रेसिव लोड जो है वो आपकी ट्रंक के ऊपर इंक्रीज करता है, ट्रंक को स्ट्रिफ कर देता है, जबकि कंप्रेसिव लोड जो आपकी लंबर स्पाइन के ऊपर इंक्रीज कर देता है, एज अ रिजल्ट लंबर लॉर्डोसिस जो है वो उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। लास्ट पे आता है एक्सटर्नल एस्पेक्ट से जो भी आपने लोडिंग किया, यानी आप एक्सटर्नली अगर अपने हाथ में कोई भी चीज़ पिक कर रहे हैं, बैकपैक उठा रहे हैं, तो एक्सटर्नल लोडिंग के कुछ पैटर्न है, तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में लाजमी रखनी है। एक बार दोबारा से मैं आपको विद हेडिंग्स का बता दूँ। पहले आपने बताना है फोर्सेज एक्टिंग ऑन द स्पाइन,
देन आपने बताना है स्पाइनल लोडिंग ऑन द अपराइट पोजीशन, देन इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन, देन सिटिंग पोजीशन, देन स्लम्प सिटिंग पोजीशन, देन आपने बताना है पैटर्न ऑफ लोडिंग, फिर आपने बता देना है स्टैटिक और डायनामिक लोडिंग, आफ्टर दैट आपने बता देना है ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो स्पाइनल फ्लेक्शन डिफरेंट पोजीशन में बता देना है, यहाँ पर आप स्पाइनल फ्लेक्शन में बताएंगे, लेटरल फ्लेक्शन में बताएंगे, एक्सियल ट्विस्टिंग के अंदर बताएंगे, फिर आप जो है वो फ्लेक्शन रिलैक्सेशन फिनोमेना के पास आ जाएंगे, आफ्टर दैट आप फैक्टर्स बता देंगे जो कि स्पाइनल लोडिंग को अफेक्ट करते हैं, तो वो आप यहाँ पर बता देंगे, हाई स्पीड अफेक्ट कर रही थी, इसके अलावा लेग लिफ्टिंग की बात आप जो है वो यहाँ पर करेंगे। इसलिए यहाँ पर एक और बात आपने याद रखनी है कि जो सेफेस्ट लिफ्टिंग टेक्निक होती है वो यहाँ पर इन्होंने बताई भी हुई है कि पहले आप लोड को उठाएं अपने हाथों से एंड देन आप आहिस्ता आहिस्ता वेट को जो है वो ट्रांसफर करें ऑन योर बैक, जैसे कि आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं, पहले आप उठाएं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप उसको जो है वो ट्रांसफर करें ठीक है, तो ये आपने ये बात याद रखनी है। फिर आप लोगों ने पैटर्न ऑफ लोडिंग ऑन द लंबर स्पाइन करना है, तो क्लियरली इसने यहाँ पर बता दिया लोडोटिक लंबर पोस्टर या जो है वो, उसके बाद इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की हेडिंग आएगी और फिर एक्सटर्नल लोडिंग हेडिंग आएगी, ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है, तो आपने जो है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।